बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर व्हाट नॉट फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है, यानी डिग्री ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव डिनोट करा, पी का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन इसकी डिग्री ऑर्डर तो फर्स्ट है यहाँ पर पी, लेकिन डिग्री टू है यहाँ पर। इसकी मैक्सिमम जो पावर होगी डी वाई पी की वो डिग्री कहलाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, यानी आप लोग, हमारा तो लिखा हुआ है। तो अब अगली स्टेप में क्या करना है, इसे फैक्टर करेंगे और हम इसको पी के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्स बाई पी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका अंदर इन टू होगा तो थ्री एक्स स्क्वायर पी हो जाएगा, माइनस टू वाई स्क्वायर पी हो जाएगा, माइनस का सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन हम लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कॉमन p और x दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें से पी एक्स को जब कॉमन लेंगे तो एक p की पावर बचेगी और यहाँ पर y बचा हुआ है, प्लस एक x बचेगा, थ्री x बचेगा यहाँ पर। इन दोनों में से माइनस टू कॉमन है और यहाँ पर y भी कॉमन है, तो बचेगा ओनली जिस तरीके से इधर बचा था p y बचा, तो यहाँ पर p y की एक पावर बचेगी। माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, और y बाहर ले लिया, x बचेगा। देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी फैक्टर हम लोगों ने करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसमें से कॉमन ले लेंगे पी वाई प्लस का थ्री एक्स को, तो हमारे पास बचेगा ये पी एक्स माइनस का टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों अलग अलग पी में लीनियर फैक्टर हैं, इनको सॉल्व करके हम इनका कंबाइंड इक्वेशन को, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखा है इसका कंबाइंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन पहले इनके अलग अलग इनको ज़ीरो के बराबर पुट करके और हम इसका सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो पहले हम इस फैक्टर को ज़ीरो के बराबर रख रहे हैं, तो इफ़ पी बाई प्लस का थ्री एक्स, ये फैक्टर अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो यहाँ पर ट्रांसपोज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पी की वैल्यू भी पुट कर दें। वाई को पहले लिख दें, पी का मतलब पहले लिख चुके हैं, डी वाई वो डी एक्स होता है, और इसको माइनस का थ्री एक्स कर लिया राइट हैंड साइड में ले जाके, ताकि हम दिखा सकें कि वेरिएबल हम सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के पहली स्टेज यही होती है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, यस यहाँ पर हो सकते हैं। जिधर डी वाई है उधर वाई वाले टर्म लिखा रहने दें, और डी एक्स की तरफ एक्स वाले टर्म को हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अगले पेज पर हम अगली स्टेप में लिख रहे हैं, वाई मल्टीप्लाई में चल रहा था ये डी वाई के, और राइट हैंड साइड में पहले से मौजूद माइनस का थ्री एक्स था और उसमें डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, एक पावर है, इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई टू हो जाएगा, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट भी यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो भी इसी फार्म में ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर सभी में अपान में टू आ रहा है तो सी अपान टू कॉन्स्टेंट, टू से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सी आ जाएगा। इसको उधर ट्रांसपोज कर दें, आप चाहें जिस फार में भी इसको ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसे सी बाई टू ही ऐड करें। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स, और सी को भी हम अपनी मर्जी है कि आप चाहें तो इसमें प्लस का सी कर दें, या फिर आप चाहें तो इसको माइनस सी करके भी इसमें किया जा सकता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो उसमें माइनस सी को भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लस भी कर लेंगे तो कोई गलती नहीं है। तो ये ऐसा ना कहें कि इस गलती समझें और आप चेंज कर दें, आप ये इसको इधर लेंगे प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन अगर नहीं डाला तो इक्वेशन नंबर इसको वन डाल दें, और फिर दूसरा जो फैक्टर था उसको भी हम ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। दूसरा फैक्टर क्या था, ये है पी एक्स माइनस का टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे पी एक्स माइनस टू वाई। तो दूसरा फैक्टर हमारा है ये पी वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू, सॉरी पी एक्स माइनस टू वाई बराबर ज़ीरो। इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे टू वाई को तो प्लस हो जाएगा, उधर जाके एक्स को पहले लिख दें, और इसमें हम वैल्यू रखना चाह रहे थे पी की डी वाई ओवर डी एक्स, और दिखा दें कि वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करके दिखा दें। जिधर डी वाई उधर वाई वाले टर्म को ले जाएंगे, फैक्टर को ले जाएंगे,
2 ऐसे दिखा रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं dx को, और अब बाद में आ जाएगा x ट्रांसपोज करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, 1 का इनटू का मान सकते हैं यहां पर, 1 अपन y का इंटीग्रेशन करना होगा, 2 बाहर ले दें और यहां पर 1 का इनटू मान सकते हैं, 1 अपन x का इंटीग्रेशन करना होगा, 1 अपन y का इंटीग्रेशन जो होगा log y हो जाएगा और 1 अपन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और कांस्टेंट यहां पर जो है वो ऐड करेंगे, तो कांस्टेंट को भी हम किसी फॉर्म में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप कांस्टेंट को log c की फॉर्म में ऐड कर लें और इसके बाद इस पावर को ऊपर पहुंचा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी log x स्क्वायर हो जाएगी, और log यहां पर c लिखा हुआ है, दोनों log को कंबाइन करके एक कर लें, प्लस है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा c और x स्क्वायर के बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड में log c y चल रहा था, log से log हट जाएगा तो y की वैल्यू cx स्क्वायर हो जाएगी, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो y माइनस का cx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको उसका कंबाइंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं इन इक्वेशन को कंबाइन करते हुए, तो इसी को लिख देते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन हमारे 1 और 2 ही है, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 2 वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो वहां पर इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है उसको इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर प्लस 3x प्लस c और इधर y माइनस cx स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0 0 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।